अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हैं। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नई वीडियोस के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। आज मैं आपसे इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ चना दाल रेसिपी। और चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए हमें। ऑनियन ले लिया है मैंने 1 लार्ज, जिसको मैंने स्लाइस में कट कर दिया है। और इसके बाद मुझे टमाटोज चाहिए 2, मैंने ले लिए। उनको मैंने बिल्कुल स्मॉल पीसेस में चॉप कर दिया है। और उसके बाद स्पाइस जाएंगे, 1 टीस्पून सॉल्ट जाएगा, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून ही ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टेबल स्पून क्यूमिन पाउडर और 1 टेबल स्पून ही टर्मेरिक पाउडर। ठीक है, ये स्पाइस चाहिएंगे, नमक, लाल मिर्च, चाट मसाला, काली मिर्च, धनिया, ज़ीरा और हल्दी। और यहाँ पे हमें दाल भी चाहिए बॉयल, जो मैंने कर ली है ऑलरेडी। और इसका जो पानी है वो मैंने डिस्कार्ड नहीं किया है, वही मैं ड्यूरिंग कुकिंग ऐड कर दूँगी। अभी मैंने पैन में ऑयल ऐड कर दिया है और अब ऑनियन ऐड कर रही हूँ। जैसे ऑयल हॉट हो गया है, तो गर्म हो गया है ऑयल, तो मैंने इसमें ऑनियन ऐड कर दिए हैं। ठीक है, अब जो है ना, मुझे थोड़ा सा सॉटे करना है और थोड़ा सा ये फ्राई हो जाए, ट्रांसपेरेंट सा हो जाए, तो इसमें मैं गार्लिक क्रश ऐड कर दूँगी और ग्रीन चिलीज़। ये दोनों चीज़ें भी जाएंगी इंग्रेडिएंट्स में, वो मैं भूल गई हूँ आपको बताना, तो आप वो भी ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, बस थोड़ा सा अच्छा सा कलर आ जाए, तो अभी मैं ऐड कर दूँगी क्रश गार्लिक, बिल्कुल मैंने उसे चॉप कर किया हुआ है। 1 टेबल स्पून मैं ले रही हूँ गार्लिक। और इसके साथ मैंने ग्रीन चिलीज़ भी ऐड कर दी थी, 2 मैंने ली थी, 1 या 2 इनफ होती है। ठीक है, अब ऑनियन को उस टाइम तक पकाना है जब तक इसका खूबसूरत सा कलर गोल्डन सा नहीं आ जाता। ठीक है, बहुत डार्क नहीं करना है, बस गोल्डन कलर हमें चाहिए। ऑनियन हो गया था गोल्डन कलर, इसका बहुत अच्छा प्यारा सा कलर आ गया है, तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है ताकि ऑनियन जल ना जाए, प्याज हमारी जल ना जाए। ठीक है, क्योंकि अगर आप पानी ऐड नहीं करेंगे ना थोड़ा थोड़ा, तो वो बहुत ही डार्क हो जाएगा और मुझे बहुत ज़्यादा डार्क नहीं चाहिए कलर, इसीलिए मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। ठीक है, अब इस स्टेज पर मैं टमाटोज़ भी ऐड कर दूँगी। मैंने 2 मीडियम साइज़ के टोमेटोज लिए थे, उनको मैंने अच्छे से चॉप किया हुआ है छोटे छोटे पीसेस में। अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। और इसके बाद जो है ना, मैं थोड़ा सा इसमें पानी शामिल कर दूंगी और फिर हल्के पे रख दूंगी 5 मिनट के लिए, तब तक टमाटो सॉफ्ट हो जाएं। ठीक है, थोड़ा सा अभी मैं पानी ऐड कर दूंगी इसमें और अब मैं हल्के पे रख दूंगी 5 मिनट के लिए, ताकि टमाटोज जो है ना वो सॉफ्ट हो जाए। और उसके बाद आपको दिखाती हूँ, अभी 5 मिनट हो गए थे और ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं टमाटोज, कोई मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी। अब जस्ट मैं इसे मिक्स करूँगी अच्छे से क्रश करके, 2 सेकेंड में हो जाता है। ठीक है, और इस स्टेज पे मैं स्पाइस ऐड कर रही हूँ, बस 2 मिनट स्पाइस को भी इसमें अच्छे से पकाएंगे और उसके बाद मैं इसमें दाल ऐड कर दूँगी। अच्छा, 2 तरह की दाल बनती हैं, एक तो बॉयल दाल जो हम करते हैं उस तरह से बनाते हैं, और दूसरी विदाउट बॉयल किए हुए डायरेक्ट हम बनाते हैं, तो दोनों का डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट आता है। ठीक है, इस स्टेज पे थोड़ा सा पानी में और डाल रही हूँ ताकि और स्मूथ जो है ना ग्रेवी वो हो जाए। और ये पानी में वही ऐड कर रही हूँ जो जिसमें मैंने दाल को बॉयल किया है, वही पानी में ऐड कर रही हूँ, क्योंकि सारा टेस्ट तो उस पानी में ही है, वो हमें डिस्कार्ड नहीं करना है इसलिए। ठीक है,
और अब मैं इसमें ना दाल जो मैंने बॉयल करके रखी हुई थी वो मैंने ऐड कर दिया है, और इसका पानी भी उसी के साथ ऐड कर दिया है। ठीक है, मेरी तो मेरे पास तो दाल जो है वो बिल्कुल ही गली हुई है, और मैंने उसमें थोड़ा ही पानी ऐड किया था, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं किया था। मैं अब इसे ना गलाऊंगी तो नहीं, क्योंकि ऑलरेडी गली हुई है, तो मैं इसको हाई फ्लेम पे रख रही हूँ, जस्ट इसका थोड़ा पानी ड्राई हो जाए। पूरी तरह से मुझे ड्राई नहीं करना है पानी को, बस थोड़ा सा वो ड्राई हो जाए। 5 मिनट के लिए मैं इसको हाई फ्लेम पे रख दूँगी, उसके बाद ना अभी मैंने कवर कर दिया है, 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे रख दूँगी, और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ 5 मिनट के बाद। ये देखें, थोड़ा सा मैंने बस पानी ड्राई किया है, पूरी तरह से ड्राई नहीं किया है, क्योंकि जो है ना पानी दाल है ना जो, वो पानी बहुत जल्द एब्जॉर्ब कर देती है और फिर वो ड्राई हो जाती है बिल्कुल। अगर आप पूरी तरह से पानी को ड्राई करेंगे तो दाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी, फिर वो अच्छी नहीं लगती है, इसलिए थोड़ा सॉसी होना उसका बहुत ज़रूरी है। अभी मैंने इसको गार्निश कर दिया है, सूखा पुदीना था मेरे पास, आपके पास फ्रेश हो कोरिएंडर और मिंट लीव्स तो आप उससे गार्निश कर लीजिए। ठीक है, अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया, देख लीजिए आपके कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए पानी की, बहुत ज़्यादा जो है ना नहीं होना चाहिए पानी, ना ही कम होना चाहिए। और ये है फाइनल लुक दाल की, और ऑयल भी अभी ऊपर आ गया था, तह पे आ गया है ऑयल भी, और देखिए कितनी मज़ेदार सी दाल बनी है। ट्राई करके ज़रूर देखिएगा रेसिपी को, आपको बहुत अच्छी लगेगी आई एम श्योर। और बस अभी मैं इसका फ्लेम जो है ना वो ऑफ कर दूँगी। ठीक है, फ्लेम अभी मैं ऑफ़ कर दूँगी इसका। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा न्यू वीडियोज़ के लिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक पे, नई वीडियो पे, नई रेसिपी पे बात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।